अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? और मैं आपको रुजिता दिवेकर की डाइट रूटीन बताऊंगी, लेकिन उसमें मैं अपनी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई है और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे डॉक्टर ने बताई थी। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो इंसुलिन लेवल आपका बढ़ जाता है, तो मुझे उन्होंने डाइटिशियन रिकमेंड की थी, तो उन्होंने मुझे वो बात बताई थी। और मेरे हस्बैंड मुझे वो फर्स्ट डे ऑफ मेरी शादी के बता रहे हैं। तो वो खाने से रिलेटेड है, खाना किस तरह आपको खाना है, खाना किस तरह खाना है, उसमें भी टिप्स है, तो मैं आपको बताती हूँ। वो बहुत बड़ा रीज़न है आपकी इंसुलिन लेवल कैसे वर्क करता है। आगे वीडियो देखना, मैं आपको बताऊँगी कि वो टिप्स क्या है। तो मैं ये ले रही हूँ वार्म वाटर, तो मैं पीऊँगी सुबह सुबह वार्म वाटर। ये मैंने डाल दिया है जिंजर, तो मैं ले रही हूँ ये अदरक, और ये भी अपने हिसाब से आपको लेना है क्या सूट करता है। तो अदरक मैं लेती हूँ और वार्म वाटर। तो पानी पी लिया, अब मैं एक घंटे बाद नाश्ता करूँगी। और मैंने बनाई है इडली, और मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है, तो इडली और चटनी मैंने बनाया है नाश्ते में। आपके हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगता है, लाइक हम महाराष्ट्र में, लाइक मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, तो महाराष्ट्र में इडली, उपमा, पोहा, लाइक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, डोसा, ये सब बहुत चलता है। लेकिन मेरा जो नेटिव प्लेस है वो यूपी है, नॉर्थ इंडिया, तो मेरे यहाँ पे दोनों नाश्ता बनता है, जैसे पूरी सब्जी, आलू के पराठे, और जो नॉर्थ इंडियन नाश्ता होता है। तो एज़ पर अकॉर्डिंगली जैसे आप डाइट करते हो, डाइट रूटीन है आपकी, तो आप हल्का फुल्का पोहा, उपमा, उत्तप्पा, ये सब ले लें, इडली ले लें, और नहीं है तो नॉर्मल आप अपना जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं, हैवी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारी गट्टे की सब्जी एकदम तैयार है बनके, कितनी जबरदस्त लग रही है, जरूर ट्राई करना ये। ब्रोकली, कैरेट, एस्पेरेगस जो है वो मैं थोड़ा सा बस बॉईल कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट्स। तो
तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये स्टीम ब्रोकली ली है, ये है एस्पेरेगस, ये स्टीम कैरेट, ये खीरा मूली और ये ग्रीन पत्ते की सैलेड है और ये थोड़े से ग्रेप्स है। और ये ली है मैंने, देख सकते हैं आप, इतनी सी सब्ज़ी ली है गट्टे की और मेथी की, इसमें कोई भी ऑयल नहीं डाला है मैंने ज़्यादा, देख सकते हैं आप। और एक रोटी ली है मैंने, तो मैंने दो प्लेन मतलब देख सकते हैं आप सैलेड लिया हुआ है। मैंने ये बोला था कि खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो खाना ये है कि मैं सबसे पहले ये लूँगी, सैलेड लूँगी। आप कोई भी डाइट करो, अगर सैलेड सबसे पहले खाते हो ना तो डायरेक्टली आपका इंसुलिन लेवल वो रिएक्ट नहीं करता। अब साइंटिफिक वे में मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, अगर शायद होते तो वो करते, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। तो उन्होंने मुझे डे वन से, जब से शादी हुई है डे वन से उन्होंने मुझे इस तरह खाना सिखाया कि सैलेड खाओ पहले एंड देन फिर जो भी सब्ज़ी रोटी है ना उस तरह खाओ, तो बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ बेनिफिट्स है उससे। तो अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तो आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा इस तरह अगर खाओगे तो। पहले सैलेड खाएं आप, फिर रोटी सब्ज़ी जो भी है। तो क्वांटिटी भी बहुत डिपेंड करती है कि आप कितना क्वांटिटी ले रहे हो। तो मैं खाऊंगी सबसे पहले सैलेड, सैलेड में आप जो भी लोकल अवेलेबल है वही खाना है, यहाँ पे बहुत ईजीली ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये मैं लंच कर रही हूँ। इस तरीके से आपको अपनी बैलेंस डाइट रखनी है। एक और बात, अगर आप अपने मतलब आप जितनी कैलोरी लेते हो उससे कम आपको कैलोरी खानी होगी। अगर आप एक रोटी खाते हो तो आपको आधी रोटी करनी पड़ेगी, ये आपके बॉडी के हिसाब से है और आपको जो सूट होता है। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी होती है ना, तो वो सब भी डिपेंड होता है। इसलिए मैं तो बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी ऐसी ये वाली डाइट वगैरह जो है नॉर्मल, वो आप जैसे थोड़ी बहुत करनी है, जैसे 15 दिन के लिए करनी है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और फिर अपनी डाइट बनाएं। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे बताया था, और मेरे हस्बैंड खुद साइंटिस्ट है तो वो मुझे बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो डॉक्टर से ज़रूर लें। लेकिन अगर आपको इस तरह खाना है तो ये कोई भी हार्मफुल नहीं है, आप इस तरह ले सकते हैं। छोटी डाइट करनी है तो आप अपने से कर सकते हैं। तो ये मेरा लंच है, मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ डिनर के टाइम, देखते हैं मैं क्या खाती हूँ डिनर में। डिनर में मैं ये सारी चीज़ें खा रही हूँ, मैंने कोई रोटी सब्जी नहीं ली है, मैं बस ये ले रही हूँ ऑरेंज, ये है मूली रेड वाली, कुकुम्बर और ब्रोकली और ग्रीन पत्ते वाली सैलेड है, ये ग्रेप्स है। तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी और मैं 7 o'clock के अंदर ये खा लूँगी। उसके बाद मैं फिर अगर मुझे भूख लगती है 4 से 5 बादाम खा लूँगी बस। तो ये रहा मेरा डिनर। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो डाइट प्लान है ना, ये आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होती है, तो आपको जानना होगा कि आपकी बॉडी क्या लेने से आपकी कैलोरीज कम होती है, तो ये आपको जानना होगा और डॉक्टर से कंसल्ट करें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको।